कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक नई मुसीबत में फंस सकते हैं। ईडी ने उन पर एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जल्द ही कांग्रेस द्वारा संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार के केस में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस घटनाक्रम से परिचित एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी इस मामले में हुई गड़बड़ियों के बारे में अपनी जांच पूरा करना चाहती है। नेशनल हेराल्ड केस में उनसे पहले ही 751 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। रायबरेली के सांसद राहुल गांधी से इससे पहले जून 2022 में 4 बैठकों में ईडी ने लगभग 40 घंटे तक यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के रोजाना के कामकाज में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की थी। इस कंपनी में वह अपनी मां सोनिया गांधी के साथ बहुसंख्यक हिस्सेदार हैं। राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी से YI द्वारा एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड के अधिग्रहण, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा AJL को दिया गया 90 करोड़ रुपए का कर्ज और मुंबई में एक संपत्ति से संबंधित लेन देन के बारे में पूछताछ की गई थी। जुलाई 2022 में 3 दिनों में लगभग 11 घंटे तक सोनिया गांधी से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि हम एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की जांच पूरी करने और आरोप पत्र दर्ज करने की सोच रहे हैं, ताकि मामले की सुनवाई हो सके। इसलिए राहुल गांधी सहित सभी जुड़े लोगों को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बहरहाल, ये साफ नहीं है कि जांच एजेंसी ईडी सोनिया गांधी को भी एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाने पर विचार कर रही है या फिर नहीं। वहीं पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने दावा किया था कि संसद के हाल ही में खत्म सत्र में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद ईडी उन पर छापा मारने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी का खुले दिल से इंतजार करेंगे, क्योंकि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। उधर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का इस मामले में कहना है कि मैंने हमेशा AJL मामले में ईडी की भूमिका को विचित्र और अकल्पनीय माना है, जहां कभी कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई, जहां अपराध की आय तो दूर धन का कोई आवागमन नहीं हो सकता और ना ही हो सकता है, जहां अंतिम शेयरधारक एक गैर लाभकारी कंपनी है। ये ना तो धन के आवागमन का ना ही संपत्ति के आवागमन का एक अजीब मामला है, और इसलिए PMLA कानून अपने आप में अनुपयुक्त है। अगर ईडी राहुल गांधी को परेशान करने या कॉफी पर बुलाना चाहती है तो ये उनकी इच्छा है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि 6 जनवरी को HT की ओर से प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कुल 988 करोड़ रुपए की आपराधिक आय की पहचान की है। इसमें 755 करोड़ रुपए की रियल एस्टेट और अन्य संपत्तियां, 90 करोड़ रुपए के शेयर और 2010 से 11 अर्जित 142 करोड़ रुपए का किराया शामिल है। ईडी ने दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में YI की ओर से कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद से AJL ने दिल्ली, मुंबई, इंदौर, पंचकुला, लखनऊ और पटना में अपनी प्रमुख संपत्तियों से ये किराया कमाया है।